नमस्कार, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम पिछले वर्षों में राज्य बोर्ड में आए हुए रैखिक प्रोग्रामिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, आलेख द्वारा निम्नांकित रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल करें। निम्नांकित व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर x प्लस 3y का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, जहाँ आपको दिया है 2x प्लस y ग्रेटर इक्वल्स टू 3, x प्लस 2y लेस इक्वल्स टू 6 और xy ग्रेटर इक्वल्स टू 0। ये आपको दो असमीकरण दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे साफ तौर पे कहा है ना कि आलेख द्वारा इस समस्या को हल कीजिए, तो आलेख तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। और आलेख बनाने के लिए आपको क्या पता है कि दी गई असमीका को पहले समीका में बदलना पड़ेगा और उसके बाद हम उनका ग्राफ बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम बनाएंगे इसका ग्राफ। तो पहली असमीका हमारे पास है 2x प्लस y ग्रेटर इक्वल्स टू 3। इसको जब आप समीका में बदलेंगे तो हमें मिलेगा 2x प्लस y इक्वल्स टू 3। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताइए। एक बार आपको x का मान 0 रखना पड़ेगा और y का मान निकालना पड़ेगा। x 0 रखने पर y कितना आएगा, 3। और अगली बार y का मान 0 रखना पड़ेगा और x का मान निकालना पड़ेगा। x का मान कितना आएगा, 3/2 मतलब कि 1.5। तो यहाँ से आपको क्या क्या निर्देशांक मिले, पहला निर्देशांक मिला 0.3 और दूसरा निर्देशांक मिला 3/2.0, ठीक है। तो जब हम इन निर्देशांकों को इन ग्राफ में देखेंगे और ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो ये वाला जो पहला निर्देशांक है 0.3 हमें यहाँ मिलेगा और दूसरा 3/2.0 हमें यहाँ मिलेगा, राइट। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक रेखा इस प्रकार से मिलेगी। अब क्या करना होता है, अब आपको ये देखना होता है कि इस रेखा का कौन सा भाग छायांकित होगा। छायांकित होगा मतलब कि कौन से भाग के बिंदु इस दी गई असमीका को संतुष्ट करेंगे। यहाँ पे दो भाग हैं, या तो ये वाला भाग होगा या फिर ये वाला भाग। तो कैसे चेक करेंगे हम कि कौन सा भाग इसका क्षेत्र होगा। आप यहाँ पे मूल बिंदु रख के देखेंगे, इस असमीका में मूल बिंदु रख के देखेंगे कि क्या मूल बिंदु इसको संतुष्ट कर रहे हैं। तो जब आप यहाँ पे x और y की जगह 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा 0 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 3। x और y की जगह 0 रखा तो ये सारा हल करके 0 आएगा, 0 ग्रेटर इक्वल्स टू 3। तो बताइए क्या ये सत्य है, बताइए नहीं, ये सत्य नहीं है। इसका मतलब मूल बिंदु वाला जो भाग है वो इस असमीका को संतुष्ट नहीं करेगा। तो इसका जो क्षेत्र होगा ये मूल बिंदु वाला क्षेत्र नहीं होगा। जब ये मूल बिंदु वाला क्षेत्र नहीं होगा, मतलब मूल बिंदु यहाँ पे है तो ये वाला क्षेत्र नहीं है। जब ये वाला क्षेत्र नहीं होगा तो कौन सा होगा, डेफिनेटली ये वाला होगा, है ना। तो इसका ये वाला क्षेत्र छायांकित होगा और इस क्षेत्र में आने वाला हर एक बिंदु इस असमीका को संतुष्ट करेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस दूसरी असमीका की, x प्लस 2y लेस इक्वल्स टू 6। इस असमीका को समीका में बदलेंगे तो ये आएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। और अब क्या करना है, अब इसमें एक बार x को 0 रखना है तो y का मान क्या मिलेगा, 3। और एक बार y को 0 रखना है तो x का मान क्या मिलेगा, 6। यहाँ से आपको निर्देशांक मिले 0.3 और यहाँ से आपको निर्देशांक मिले 6.0। तो 0.3 कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, और 6.0 यहाँ आएगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर आपको इस प्रकार की एक रेखा मिलेगी, ठीक है।
हमें ये जांच करनी है कि इस रेखा का कौन सा भाग छायांकित होगा, कौन से भाग पर आने वाले प्रत्येक बिंदु इस असमिका को संतुष्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें इस असमिका में मूल बिंदु रख के देखने होंगे। तो यहाँ पे x और y का मान जब हम 0 रखेंगे हमें मिलेगा 0 less equals to 6। और बताइए क्या ये सत्य है, क्या 0 6 से छोटा होता है? हाँ होता है। इसका मतलब मूल बिंदु इस असमिका को संतुष्ट कर रहे हैं, तो मूल बिंदु वाला भाग इस असमिका की ये जो रेखा है इसको संतुष्ट करेगा। यहाँ पे इसका जो छायांकित क्षेत्र होगा वो ये वाला होगा, ये वाला जो भाग है ये इस असमिका को संतुष्ट करेगा। ठीक है, अब क्या करना है? अब यहाँ पे कहा था कि आलेख द्वारा आपको देखना है कि इसका हल क्या है, और अभी हमने कितना काम किया है, अभी हमने सिर्फ इन दो असमिका का ये देखा है कि कौन सा भाग इन्हें संतुष्ट करेगा। हल देखने के लिए हमारे पास अभी एक व्यवरोध और है, इसके बारे में अभी हमने बात नहीं करी है। इस व्यवरोध में क्या कहा है कि x और y 0 से बड़े होने चाहिए। x और y 0 से बड़े होने चाहिए मतलब जो आपको हल मिलेगा वो प्रथम चतुर्थांश में मिलेगा, क्योंकि देखिए x > 0 का मतलब ये है कि y अक्ष से दाईं ओर का हिस्सा, और y > 0 का मतलब ये है कि x अक्ष से ऊपर की ओर का हिस्सा। तो जब इन दोनों का हम कॉमन हिस्सा देखेंगे तो वो प्रथम चतुर्थांश में मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कॉमन क्षेत्र होगा दोनों का वो प्रथम चतुर्थांश होगा, और इसका भी ग्राफ का, जो इन दोनों ग्राफ का कॉमन क्षेत्र हमें मिला है, कौन सा मिला है आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा इसका कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे दोनों शेडिंग आ रही है, और इसमें भी जो प्रथम चतुर्थांश वाला हिस्सा है वो कौन सा है, वो ये वाला है, ये जो पीले वाला भाग है ये वो भाग है जो प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है और इन दोनों का कॉमन पोर्शन है। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, हमें इस रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल करना है और इसका अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना है। तो अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने के लिए हमें क्या काम करना होगा, जो हमें यहाँ पे उभयनिष्ठ क्षेत्र मिला है इसके शीर्ष के बिंदु के निर्देशांक हमें जानने हैं। सबसे पहले ये बताइए ये वाला निर्देशांक कितना होगा, 0.3, ये वाला निर्देशांक 3/2.0, और ये वाला निर्देशांक 6.0। अब इन तीन निर्देशांकों को लेकर हम चलेंगे कि किस निर्देशांक पे इसका मान अधिकतम आ रहा है और किस पे न्यूनतम आ रहा है, और आ रहा है तो कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास था z = x + 3y, और जो निर्देशांक हमें मिले हैं वो है 0.3, 3/2.0 और 6.0। अब हम इन तीनों निर्देशांकों पे देखेंगे कि z का मान कितना आएगा। इसके लिए z का मान आएगा x मतलब कि 0 प्लस 3y मतलब कि 3, तो इसके लिए z का मान आया 9। इसके लिए z का मान कितना आएगा, x मतलब कि 3/2 प्लस 3y मतलब 0, तो यहाँ आया 3/2 या फिर 1.5 आप कह सकते हैं। और इसके लिए z का मान आएगा 6 + 3 × 0 = 6। ठीक है, अब ये बताइए सबसे अधिकतम मान कौन सा है और सबसे न्यूनतम मान कौन सा है। आप देख रहे हैं कि ये वाला मान सबसे न्यूनतम है और ये वाला मान सबसे अधिकतम है, राइट? और इस प्रश्न में बोला क्या था, निम्नांकित व्यवरोधों के अंतर्गत इसका अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो इसका अधिकतम मान क्या आया, 9, और न्यूनतम मान कितना आया, 1.5। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आलेखीय विधि से निम्नांकित रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल कीजिए। देखिए इस चैप्टर में आपको करना क्या होगा, आपको कोई भी व्यवरोध दे रखे होंगे और उसके अंतर्गत आपको किसी भी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को आलेख विधि से हल करना होगा। इस पूरे चैप्टर में है ही, ठीक है, यहाँ पे बस व्यवरोध अलग अलग प्रकार के दिए जाएंगे और आपको यहाँ पे ये जो z = जो इक्वेशन दी जाएगी इसका न्यूनतम अधिकतम या फिर सिर्फ न्यूनतम या फिर सिर्फ अधिकतम मान निकालने के लिए दिया जाएगा। मतलब न्यूनतम भी दिया जा सकता है, अधिकतम भी, और दोनों भी। ठीक है, और यहाँ पे विधि आपकी आलेखीय ही हुई, तो यहाँ हमें जरूरत किस किस की पड़ने वाली है, एक तो ये वाली समीकरण की और एक ये व्यवरोधों की, राइट? और यहाँ पे हमें पता चल गया कि न्यूनतम और अधिकतम मान निकालने हैं, तो ये हम अपने माइंड में रखेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं उसके बाद हम इसको निकालेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने ये व्यवरोध ले लिए हैं और इसको हमने एक अलग से बॉक्स में रख लिया है जिसका हमें अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन असमीकाओं को समीका बनाकर इनका ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इसका ग्राफ बनाएंगे, उसके लिए क्या करना होगा, पहले हम कौन सी असमीका की बात करें, पहले हम इस असमीका की बात करते हैं। यहाँ पे एक्स प्लस थ्री वाई लेस इक्वल टू 60 की जगह हम इसको इक्वल टू 60 लिख सकते हैं। इसको समीका में बदल दिया। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हम एक बार x को 0 रखेंगे तो यहाँ से y का मान मिलेगा 20, और एक बार y को 0 रखेंगे तो यहाँ से x का मान मिलेगा 60। ठीक है, यहाँ पे निर्देशांक हमें मिले हैं 0, 20, और यहाँ से जो निर्देशांक मिले हैं 60, 0। इन दोनों निर्देशांकों को जब हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, आप देख रहे हैं 0, 20 हमें यहाँ मिलेगा और 60, 0 हमें यहाँ मिलेगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर हमें इस प्रकार की एक रेखा प्राप्त होगी। अब ये चेक करना है कि इस रेखा का कौन सा भाग हम पे छायांकित होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा बताइए। उसके लिए इस असमीका में मूल बिंदु रख के देखेंगे, यहाँ रखा x को 0 और यहाँ y को भी 0 रखा, तो ये बताइए क्या ये मूल बिंदु इस असमीका को संतुष्ट कर रहे हैं? क्या 0 60 से छोटा होता है? हाँ होता है, इसका मतलब ये इसको संतुष्ट कर रहे हैं। और अगर मूल बिंदु इस असमीका को संतुष्ट कर रहे हैं तो इस रेखा का वो भाग छायांकित होगा जो मूल बिंदु की ओर है, मतलब कि ये वाला भाग। तो इस रेखा का ये मूल बिंदु की ओर का भाग छायांकित हो जाएगा। अब हम इस दूसरी असमीका की बात करेंगे, एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 10। जब इसको हम समीका में बदलेंगे तो ये होगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, और जब x को 0 रखेंगे तो यहाँ पे x को 0 रखने पर y 10 मिलेगा, और जब y को 0 रखेंगे तो यहाँ पे x 10 मिलेगा। मतलब इसका एक निर्देशांक होगा 0, 10 और दूसरा निर्देशांक होगा 10, 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसके जो बिंदु मिलेंगे वो यहाँ और यहाँ मिलेंगे। 0, 10 होगा यहाँ पे और 10, 0 होगा यहाँ पे। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर हमें इस प्रकार की एक रेखा प्राप्त होगी। अब ये देखना है कि इस रेखा का कौन सा भाग छायांकित होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस असमीका में मूल बिंदु रख के देखेंगे। यहाँ पे आप x की जगह पर 0 रखेंगे और y की जगह पर 0 रखेंगे। 0 प्लस 0 ग्रेटर इक्वल टू 10 होता है, बताइए क्या 0 10 से बड़ा होता है? नहीं, इसका मतलब संतुष्ट नहीं कर रही है। ये संतुष्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब मूल बिंदु की ओर का क्षेत्र छायांकित नहीं होगा, दूसरा क्षेत्र छायांकित होगा। तो मूल बिंदु से दूसरा क्षेत्र कौन सा हुआ? ये वाला। तो मूल बिंदु से दूसरी ओर का छायांकित क्षेत्र ये वाला होगा। अब क्या करना है, अब हमें तीसरी असमीका लेनी है, ये वाली एक्सिस लेस इक्वल्स टू वाई। इसको जब आप समीका में बदलेंगे तो ये मिलेगा एक्स इक्वल्स टू वाई। एक्स इक्वल्स टू वाई एक ऐसी रेखा होती है जो मूल बिंदु से होकर जाती है, तो वो रेखा हमें इस प्रकार से मिलेगी। अब इस रेखा के लिए दो क्षेत्र है, ये वाला और ये वाला। अब यहाँ पे कौन सा क्षेत्र छायांकित करेंगे? यहाँ पे तो मूल बिंदु रख के देंगे नहीं सकते, क्योंकि मूल बिंदु खुद इस रेखा के ऊपर आ रहा है ना, ये वाली रेखा मूल बिंदु से होके जाती है। तो अब हमें मूल बिंदु से अलग कोई और बिंदु यहाँ पे रख के देखना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, हम एक बार इधर की ओर का एक बिंदु ये रख ले 0, 20। हम यहाँ पे 0, 20 रख के देखते हैं कि क्या ये इसको संतुष्ट कर रहा है। एक्स को हमने यहाँ पे 0 रखा और वाई को 20 रखा, तो क्या 0 20 से छोटा होता है? हाँ होता है, इसका मतलब ये इसको संतुष्ट कर रहा है। और अगर हम यहाँ का कोई बिंदु रख के देखें, माना 10, 0 रखें, तो यहाँ पे आएगा 10 is less equals to 0। क्या ये संतुष्ट कर रहा है? नहीं, ये संतुष्ट तो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला क्षेत्र इसका छायांकित नहीं होगा। छायांकित कौन सा क्षेत्र होगा? यहाँ वाला। यहाँ इस रेखा का ऊपर की ओर का क्षेत्र यहाँ पे छायांकित होगा। और इसके अलावा यहाँ पे एक प्रतिबंध और दिया है कि एक्स और वाई 0 से बड़े होने चाहिए। एक्स और वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसका जो हमें हल क्षेत्र मिलेगा वो प्रथम चतुर्थांश में ही मिलेगा। तो पहले तो आप मुझे ये ढूंढ के बताइए कि प्रथम चतुर्थांश में कौन सा क्षेत्र कॉमन आ रहा है तीनों छायांकित क्षेत्रों में। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो लाल वाला क्षेत्र है ये तीनों में छायांकित कॉमन क्षेत्र ये वाला आ रहा है, और इसी क्षेत्र के शीर्षों के निर्देशांक निकालकर हम यहाँ पे इसके अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कर पाएंगे। तो बताइए इसके शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे? ये वाला निर्देशांक होगा 0, 20,
ये वाला निर्देशांक होगा 0,10। अब देखिए यहाँ पे ये दो निर्देशांक और चाहिए हमें। ये दो निर्देशांक कैसे मिलेंगे? इन दोनों समीकरणों को हल करके। एक समीकरण थी ये वाली x बराबर y और दूसरी समीकरण है ये येलो वाली x प्लस y बराबर 10। इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालेंगे तो वो मान इसके निर्देशांक होंगे। तो यहाँ से आपको 2y बराबर 10 मिलेगा तो y का मान हो जाएगा 5। इसका मतलब इसके निर्देशांक हो गए 5,5 और इस वाले बिंदु के निर्देशांक, इसके निर्देशांक आपको मिलेंगे x प्लस 3y बराबर 60 और x बराबर y। इन दोनों समीकरणों को हल करके तो यहाँ से जब x बराबर y था तो यहाँ पे आप y रखेंगे तो 4y बराबर 60 हो जाएगा, तो y का मान आएगा 15, वही x का भी मान होगा तो इसके निर्देशांक होंगे 15,15। ठीक है, यहाँ हमें ये चारों निर्देशांक मिल गए। अब क्या करना है? अब इन निर्देशांकों को z में रखना है और देखना है किस निर्देशांक के लिए इसका मान अधिकतम है और किसके लिए न्यूनतम है। तो हमारे पास जो निर्देशांक आए हैं वो है 0,0,20, 15,15, 5,5 और 0,10। ठीक है, इन निर्देशांकों को हम रखेंगे z में। तो यहाँ से z का मान कितना आएगा? 3x प्लस 9y, 3x प्लस 9y। इसको हल करने पर आपको मिलेगा 180। फिर यहाँ पे z बराबर 3x प्लस 9y, x और y की जगह हम इसके निर्देशांक रख रहे हैं। इसको हल करने पर आपको मिलेगा 180। फिर यहाँ पे z बराबर 3x प्लस 9y, इसको हल करने पर मिलेगा 60। और लास्ट है z बराबर 3x प्लस 9y, इसको हल करने पर आपको मिलेगा 90। अब यहाँ पे आप मुझे देख के बताइए कि सबसे अधिकतम मान कौन सा है और सबसे न्यूनतम मान कौन सा है। आप देख रहे हैं कि सबसे न्यूनतम मान तो है 5,5 के लिए जो कि 60 है, और जो सबसे अधिकतम मान है वो इन दो शीर्षों पे है जो कि 180 है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अधिकतम मान या न्यूनतम मान एक से ज्यादा शीर्षों पे भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे 0,20 और 15,15 के लिए अगर अधिकतम मान आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप ये कहेंगे कि इस रैखिक प्रोग्रामिंग का अधिकतम मान है 180 और न्यूनतम मान है 60। ठीक है, आलेखीय विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। निम्न अवरोधों के अंतर्गत सेट बराबर 3x प्लस 5y का न्यूनतमीकरण कीजिए और व्यवरोध दिए हैं x प्लस 3y ग्रेटर इक्वल टू 3, x प्लस y ग्रेटर इक्वल टू 2 और x y ग्रेटर इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं कि हमें यहाँ पे सिर्फ इन्हीं दो चीजों की जरूरत है, एक व्यवरोधों की और एक उस समीकरण की जिसका हमें न्यूनतमीकरण या फिर अधिकतमीकरण करना है। यहाँ पे बात की है न्यूनतमीकरण की, तो अधिकतमीकरण की तो हम यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ न्यूनतमीकरण करना है। पहले हमें क्या करना होगा, जो ये व्यवरोध दे रखे हैं इनका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन व्यवरोधों का पहले ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस असमिका को लेंगे, एक्स प्लस 3y ग्रेटर इक्वल्स टू की जगह हम इक्वल्स टू 3 रख देंगे। यहाँ पे जब आप एक्स को 0 रखेंगे तो यहाँ से आपको वाई का मान कितना मिलेगा, 1, और जब y को 0 रखेंगे तो x का मान कितना मिलेगा, 3। ठीक है, तो इसका जो निर्देशांक आएंगे 0,1 और 3,0 आएंगे हमारे पास। इनको हम यहाँ पे ग्राफ में बनाएंगे तो 0,1 हमें मिलेगा यहाँ पे और 3,0 यहाँ पे। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर हमें इस प्रकार की एक रेखा प्राप्त होगी। अब ये देखना है कि यहाँ पे शेडिंग किस साइड करनी है, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। उसके लिए क्या करना होगा, इस असमीका में मूल बिंदु रख के देखने होंगे। तो जब हम x और y की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3 इंटू 0 ग्रेटर इक्वल टू 3। तो ये बताइए क्या मूल बिंदु इस असमीका को संतुष्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, 0 का भी 3 से बड़ा थोड़ी ना होता है। इसका मतलब मूल बिंदु की ओर का क्षेत्र तो इसमें छायांकित होगा नहीं है। तो अगर मूल बिंदु वाला क्षेत्र छायांकित नहीं होगा तो कौन सा होगा, ये वाला क्षेत्र छायांकित होगा, राइट? अब हम दूसरी असमीका लेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। यहाँ पे भी इसमें ग्रेटर इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू लगा दिया। यहाँ पे जब आप x को 0 के बराबर रखेंगे तो y आएगा 2, और जब आप y को 0 के बराबर रखेंगे तो x आएगा 2।
इन दोनों निर्देशांकों को जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो पहला निर्देशांक है हमारे पास 0,2 जो कि यहाँ पे आएगा और दूसरा है 2,0 जो कि यहाँ आएगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर हमें इस प्रकार की एक रेखा प्राप्त होगी। अब ये देखना है कि यहाँ पे इस रेखा का ऊपर वाला भाग छायांकित होगा या नीचे वाला, उसके लिए यही करना होगा। एक्स और वाई में हमें मूल बिंदु रख के देखने होंगे। तो 0 + 0 > 2 आ रहा है, तो बताइए क्या मूल बिंदु इस असमीका को संतुष्ट कर रहे हैं? क्या कभी 0 बड़ा हो सकता है 2 से? नहीं, ये संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब मूल बिंदु से दूसरी ओर का क्षेत्र यहाँ पे छायांकित किया जाएगा। तो ये वाला क्षेत्र यहाँ पे छायांकित हुआ। अब देखिए क्या रह गया यहाँ पे, ये वाला प्रतिबंध और रह गया। x और y जो है वो बड़े होने चाहिए 0 से। तो इसका मतलब होता है कि जो हमें छायांकित क्षेत्र मिलेगा वो प्रथम चतुर्थांश में मिलेगा। तो इसका मतलब ये इसका ऊपर की ओर का क्षेत्र छायांकित होगा। ये वो क्षेत्र है जो दोनों समीकाओं का कॉमन क्षेत्र भी है और प्रथम चतुर्थांश में भी आ रहा है ना। और अब हमें इसका न्यूनतमीकरण करना है। तो न्यूनतमीकरण के लिए क्या करेंगे, इसके शीर्षों के मान हम इसमें रख के देखेंगे। तो इसके शीर्ष कौन कौन से मिल रहे हैं हमें? एक शीर्ष मिल रहा है 0,2, दूसरा शीर्ष मिल रहा है 3,0। ये वाला शीर्ष बताइए कितना होगा? इस वाले शीर्ष के लिए आपको इन दोनों समीकरणों को हल करना पड़ेगा। इन दोनों समीकरणों को हल करके x + 3y = 3 और x + y = 2, इनको जब आप हल करेंगे तो इनको माइनस करते हैं कैंसिल, ये हो जाएगा 2y = 1। तो यहाँ से y का मान आएगा 1/2, y का मान जब हम यहाँ पे रखेंगे तो x का मान आएगा 3/2। इसका मतलब इसके निर्देशांक हमें मिले हैं 3/2 और 1/2। अब हम इन तीनों निर्देशांकों को इसमें रखेंगे और देखेंगे किस निर्देशांक के लिए इसका मान न्यूनतम आ रहा है और कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें निर्देशांक मिले हैं वो है 0,2, 3/2, 1/2 और 3,0। इनको हम एक एक करके z में रखते हैं, तो इससे z का मान हमें मिलेगा 3x + 5y। एक्स का मान 0, वाई का मान 2, तो इसको हल करके आएगा 10। यहाँ पे जेड बराबर 3x + 5y, एक्स का मान 3/2, वाई का मान 1/2, इसको हल करके हमें मिलेगा 7। और यहाँ से जेड का मान आएगा 3x + 5y, एक्स का मान 3, वाई का मान 0, और इसको हल करके मिल रहा है 9। अब यहाँ पे आप मुझे देख के बताइए किस में x का मान, किस में मान सबसे न्यूनतम है? आप देख रहे हैं सबसे कम मान आ रहा है 7। तो इस रैखिक प्रोग्रामिंग का न्यूनतमीकरण करने के लिए कहा गया था। तो न्यूनतमीकरण करने का मतलब यहाँ पे आपको न्यूनतम मान बताना है और न्यूनतम मान यहाँ पे कितना आ रहा है? 7। ठीक है, बस ये इसका हल हो गया। अगर बिंदु पूछे जाते तो आप बता देते कि x बराबर 3/2 और y बराबर 1/2 के लिए रैखिक प्रोग्रामन का मान न्यूनतम है। सिंपल, ठीक है।